नमस्कार, मैं राजीव सर, आप देख रहे हैं जीटीपी न्यूज। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के मानपुर थाना अंतर्गत ताला पुलिस चौकी में पुलिस की हिरासत में ही आदिवासी युवक की मौत हो गई है। वहीं मृतक स्वामी दीन बैगा के परिजनों ने बताया कि सुबह 10 बजे पुलिस पूछताछ के नाम पर स्वामी दीन को घर से उठाकर ताला पुलिस चौकी ले आई थी और चौकी प्रभारी एवं कुछ पुलिस कर्मियों के द्वारा स्वामी दीन के साथ मारपीट की गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस की मौजूदगी में मृतक के शव को जिला हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों की 3 सदस्यीय टीम के द्वारा CJM की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराकर PM कार्रवाई की गई एवं बिसरा लेकर सागर अनुसंधान केंद्र भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मौत का सही कारण स्पष्ट हो पाएगा। वहीं अति संवेदनशील मामले पर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया है। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसके भी न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। वहीं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि जाँच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेके गई थी कल, मैं सोची क्या बात है कैसा है, तो बस हो गए वो गाली, मतलब बुरी बुरी देने लगी और मारी है मेरे सामने। तो मैं बोली आप कैसे मार सकती है, तो ऐसा गलत काम किया। तो मैं बोली वो तो बातचीत से भी समझाया जा सकता है, मार के क्या होगा, तो कह होगा इसको छोड़ के आप जाओ, आप यहाँ रहोगे। मैं बोली नहीं, मैं अपने पति को लेके जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ वो नहीं भेजी। फिर दोबारा मैं गई तो हो गए खाना आना पूछ रहे थे, तो मैं बोली खाना मैं तो लेके नहीं आई हूँ। तो बोले हो गए समोसा ला के दे, समोसा मंगवा ली चाट को, तो ये छोटी वाली लड़की और वो खाए हैं साथ, और बता रहे थे कि मतलब मेरे को 3 लोग मारे हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं, वही लेडीज पुलिस वाली और दो जेंट्स। दिन में फोन किए 2-3 बार कि जल्दी उनको लेके आओ, कहीं वो तो है नहीं मोबाइल में, उसको फोन किए थे तो कहीं जल्दी आओ नहीं तो फिर गड़बड़ होगा, अगर हम पहुंच गए ना तो फिर बहुत तो अब डर के मारे भाई पुलिस जहाँ है तहाँ तो डर के मारे पहुँच ही गए, वहाँ पहुँच गया, वो दोनों पहुँच गए, उसका घर वाली और वो भी। अब मैं नहीं था वहाँ, लेकिन 12 बजे पता पाया, उसने बताई बहू कैसे वो चौकी में बैठाए हैं और मेरे को भगा दिए, वहाँ मेरे सामने मारी है मैडम ने। लेकिन परिवारजनों का ये कहना है कि पुलिस के द्वारा मारपीट की गई और मारपीट के दौरान उसकी मृत्यु हुई और परिजनों को भी नहीं बताया गया, अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में डेड घोषित कर दिया गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है, पुलिस चौकी में हिरासत में किसी की मौत हो जाना अनफॉर्चुनेट है, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इसकी मेडिकल रिपोर्ट का, कि दरअसल ये पता चले कि उसकी मौत किन वजहों से हुई है। तो जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक किसी पर मैं एलिगेशन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कल रात को एक डेड बॉडी लाई गई थी, मानपुर अस्पताल से रेफर होकर आई थी, उसका सुबह डॉक्टर्स की टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद परीक्षा रिपोर्ट तैयार है, मतलब सुबह पुलिस को सौंप दिया गया। लगी थी कि ताला निवासी स्वामी दीन बैगा, पिता हरी दीन, उम्र 32 वर्ष, एक 376 का उनके विरुद्ध मुकदमा कायम था ताला चौकी में, जिसके संबंध में पुलिस ने पूछताछ के लिए उन्हें बुलवाया था और शाम को उनकी तबीयत खराब होने पर इन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर में भर्ती किया गया, जहां पे इलाज के दौरान उनकी मृत्यु होना बताया गया और वर्तमान में उनका जब परिजनों का जब आरोप लगा कि इनकी पुलिस की मारपीट से डेथ हुई है, तो इनका PM फिर निष्पक्ष रूप से यहाँ जिले जो जिला अस्पताल है वहां कराया गया है, जिसमें CJM साहब की उपस्थिति, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह के माध्यम से 3 डॉक्टरों की टीम ने वो किया है PM वगैरह में। PM की जो भी रिपोर्ट आती है उसके आधार पर उसमें कार्रवाई होगी, यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चौकी में सुलोचना बैगा नाम की लड़की ने एक रिपोर्ट जो है स्वामी दीन बैगा के खिलाफ 376 का अपराध पंजीबद्ध हुआ उसकी रिपोर्ट पर से और फास्ट एक्ट कर और इसको स्वामी दीन बैगा को ताला चौकी में पूछताछ के लिए गया था। पूछताछ के दौरान इसकी हालत कुछ वोमिटिंग वगैरह किया, हालत बिगड़ी, चौकी प्रभारी द्वारा इसको ताला जो PSC है वहां ले जाया गया, इसके बाद मानपुर
हॉस्पिटल में उपचार हेतु ले जाया गया था। उपचार के दौरान स्वामी दीन बैगा की मौत हो गई है। इसकी जो पंचनामा की कार्रवाई है, पीएम की कार्रवाई आज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उमरिया में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उमरिया और तहसीलदार उमरिया के द्वारा और डॉक्टर के पैनल टीम से कराई गई है और चौकी प्रभारी ताला को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निलंबित कर दिया गया है और उसकी जांच एसडीओपी पाली को सौंपी। पेश है उमरिया से शंकर सिंह चंद्र की खास रिपोर्ट।